खरगोन जिले के कसरावत तहसील में गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ को लेकर प्रदेश भर में संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में गांधी स्मृति यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत फिल्म प्रदर्शनी और चित्र प्रदर्शनी रथों के माध्यम से जन जन तक गांधी जी के जीवन और विचारों को बताया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के प्रभारी अनुज शुक्ला, जो संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से इस यात्रा के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस यात्रा में शासन द्वारा 3 रथों को तैयार कर प्रदेश के विद्यालयों में पहुंचाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज कसरावत ब्लॉक को चुना गया है। कसरावत में आज गांधी स्मृति रथ यात्रा को तहसील कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। गांधी जी की 150वीं वर्ष जयंती के अवसर पर जो एक विशेष यात्रा निकाली जा रही है, इसके संबंध में हम यात्रा से कुछ बात करेंगे कि क्यों निकाली जा रही है यात्रा है। आज देश में चारों तरफ हिंसा का माहौल है, क्यों आज भी 150 साल के बाद गांधी जी के सिद्धांत देश से और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम बात करते हैं अनिल यादव जी से। देश में सत्य हिंसा का पाठ सिर्फ गांधी जी के आदर्श के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ऋषि जी फिल्म प्रदर्शन और प्रदर्शनी के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इन बच्चों को शिक्षा दी जाएगी कि आगामी भविष्य में जीवन में सत्य और अहिंसा के ऊपर कैसे जीवन जिया जाए, ये बात उनके आदर्शों को बताया जाए। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा और क्या है इसके उद्देश्य और कहाँ कहाँ दिखाया जाएगा सर? ये विकासखंड कसरावत के दिनांक 6 जनवरी से 11 जन तक 7 दिवस का कार्यक्रम है, जो कि विकासखंड के संपूर्ण विकासखंड यात्रा करेगा और अपना संदेश देगा। सर, जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि देश में चारों तरफ हिंसा का माहौल है, लोग अहिंसा की बात ही भूल चुके हैं, ऐसे में क्या फिर से 150 साल पहले के उन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाएगा तो क्या वो सफल रहेंगे? क्या मानना है आपका सर गांधी जी के विचारों के बारे में? बात सही है कि जीवन के मूल्यों को यदि प्राप्त करना तो सत्य अहिंसा के मार्ग हम थामेंगे, जीवन को आदर्श प्राप्त कर लेंगे। और इस प्रकार की यात्रा जो प्रारंभ हुई, उनके जो यात्रा प्रभारी है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो इसको 2 अक्टूबर को रोज प्रतिदिन के रूप में देखते हैं और हम इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। निश्चित ही इस यात्रा से अच्छा संदेश जाएगा और सकारात्मक सोच लोगों में आएगी और एक नई दिशा मिलेगी समाज को और सत्य अहिंसा का मार्ग लोग अपनाएंगे। क्या नाम बेटा आपका? स्नेहा निंगोले। कौन सी क्लास में? 11th। ये आज आपके यहाँ पर जो गांधी जी की चित्रों की प्रदर्शनी लगी है, इसको बड़े उत्साह से देख रहे हैं आप क्या जानते हैं गांधी जी के बारे में? कौन थे गांधी जी? गांधी जी अपने देश के एक महान नायक थे। उन्होंने उनका जन्म 2 अक्टूबर 1871 को हुआ था और उन्होंने देश के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया और वो दलितों के प्रति सहानुभूति रखते थे और उनके इसी कार्यों के लिए पूरा देश उन्हें बहुत याद करता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है उन्हें याद करने, और उन्होंने अहिंसा पूर्वक देश के लिए उत्थान के कार्य किए। और आज जो आपने बुक्स में पढ़ा था, आज बहुत दिनों बाद फिर से आप इसकी प्रदर्शनी देख रही हैं। यस सर। जहाँ एक और देश में चारों तरफ हिंसा का माहौल है और हम आज गांधी जी के सिद्धांतों को लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं, गांधी जी के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कारण है कि आज 150 साल के बाद भी गांधी जी के सिद्धांत इतने ही महत्वपूर्ण है कि जिसे देश ही नहीं दुनिया को भी आवश्यकता है? और क्या आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रम सार्थक होंगे? हमारे देश की आजादी में महात्मा जी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। देश की सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार, आदरणीय कमलनाथ जी ने गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह रथ यात्रा प्रारंभ की है, ताकि आज की युवा पीढ़ी भी जान सके कि गांधी जी का जो वाला देश रहा है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है जातियां, धर्म और सभी प्रकार के जो है भाई बंधु यहाँ पर निवास करते हैं, उनमें आपस में एकता बनाए रखे, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की इच्छा है कि सभी आपस में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बनकर रहे। आज देश की जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व हमारे इस देश की एकता को विखंडित करना चाहते हैं। हमारे कमलनाथ जी का विचार है कि एकता हमारी जो है
सदियों से जो बनी आई है, इसी प्रकार से आगे भी हमारे देश में सभी में बंधुत्व की और अपनेपन की भावना बनी रहे और हम सभी मिलकर देश की सभी जनता और सभी धर्म के लोग मिलकर इस देश का भारत का विकास करें और भारत की एकता अखंडता को बनाए रखें और हमारी सांप्रदायिक सौहार्द भी बने रहे, इसीलिए यह यात्रा को प्रारंभ किया गया। हमें आजादी दिलाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा, साथ ही हमारा देश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।